वालेकुम अस्सलाम जी, तेरा हो। कैसी तबीयत है बीजान? अल्लाह का शुक्र है, मैं तो बहुत बेहतर हूँ। और वरीशा नहीं आई साथ? क्या मतलब? वरीषा अभी तक आई नहीं है? वो तो ऑफिस में मुझसे बहुत पहले निकल गई थी। अच्छा, अभी तक तो घर नहीं आई। आप कॉल करके पता तो कर लें कहाँ है वो। हाँ हाँ मैं करता हूँ। अरे परीक्षा फोन नहीं उठा रही, पता है कहाँ गई है? वो मुख्तार भाई, मेरी अभी उससे बात हुई है। वो ऑफिस से ना यूनिवर्सिटी चली गई है। वो दरअसल उसने शाम की शिफ्ट भी ज्वाइन कर ली है। क्या जरूरत थी शाम की शिफ्ट लेने की उसे? शहर के हालात ऐसे नहीं है कि बच्चियां शाम को बाहर रहें। और वैसे भी उसकी तबीयत सही नहीं रहती है। मैनेजर बता रहा था कि आज भी उसकी तबीयत खराब थी और अक्सर मैंने उसको देखा है। के सर में दर्द रहता है। कोई डॉक्टर वगैरह को चेक नहीं करवाया? अरे नहीं मुख्तार भाई, ऐसी कोई बात नहीं। बड़ी नाजों से पली है मेरी बच्ची। वो बिजनेस का इतना सारा लोड पड़ गया ना उस पे। तो शायद इस वजह से थोड़ी तबीयत गड़बड़ हो गई हो। वैसे ठीक कह रही है महक। आपने वाकई बिजनेस का बहुत लोड डाल लिया उस बच्ची पर। अरे नहीं भी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो कुछ भी कर रही है ना, अपनी खुशी से कर रही है। अच्छा चले, कोई मसला नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ, वो फैमिली डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ ना उसके लिए। अरे भाभी नहीं, अपॉइंटमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं। मेरी अभी बात हुई है उससे। मुझे ऐसा तो कुछ नहीं कहा उसने, बिल्कुल ठीक है। मैं जरूरी नहीं है कि वो सब कुछ तुम्हें बताए। माँ हो उसकी, तुम्हें खुद ख्याल रखना चाहिए उसका। उसके खाने पीने का, सोने जागने का। बीजान बिल्कुल ठीक कह रही है। और बीजान वैसे भी अगर डॉक्टर से चेकअप हो जाए एक बार तो उसमें हर्ज ही क्या है। हाँ बिल्कुल। और भैया आजकल की लड़कियां कोई ढंग से खाती पीती तो है नहीं। डाइटिंग का भूत सवार होता है। याद है वो जो शिफा ने शुरू की थी, क्या हाल हुआ था उसका? हाँ बिल्कुल। हाँ मुझे अच्छी तरह से याद है, शिफा कॉलेज में बेहोश होकर गिर गई थी डाइटिंग के चक्कर में।
हमारी तो जान हलक में आ गई थी। लेकिन अब मेरी शिवा बहुत बहादुर है। अपनी जिंदगी की जंग अकेले लड़ रही है। अपने शौहर के लिए उसकी ढाल बनकर खड़ी हुई है। मैं जरा चेंज कर लूं तो फिर आगे बैठूं।